सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पटियाला शलवार बनाने का तरीका बताऊंगी। उसके लिए मैंने बड़े बर वाली सिल्क ले ली है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। आप कोशिश कीजिएगा कि छोटे बर वाली मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर, लेकिन फिर वक्त ये मैं बड़े बर से आपको पटियाला शलवार बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमने 32 इंच लेंथ लेनी है। ये शलवार 41 इंचेस उसकी कटिंग हो गई, 38 इंच जिस तैयार है ये शलवार की लेंथ। ये देखें, अब हमने ये 32 इंच ये हमने ले ली इसकी लेंथ। लेंथ लेने के बाद जितना इसका बार है उसको सारी हम कटिंग में ले आएंगे। ये इसका बार, ये देखें, ये 32 इंच पे मैंने निशान लगा के इसको थोड़ा कटिंग करने लगी। ये अब हमने इसको कट लगा लिया। कट लगाने के बाद मैं इसको खींच कर फाड़ लूंगी। ये देखें, अब ये मैंने लेंथ काटने के बाद ये आपके पास कपड़ा निकल आएगा। ये हमने 32 इंच रखकर इसको तय लगाई थी, ये 32 इंच इस तरह मैंने इसको रखकर फिर मैंने इसके ऊपर जब ये डबल हो जाएगी तो इसको एक और तह लगा देनी है। तह लगाने के बाद मैंने 9 इंच पोंचा रखा है, क्योंकि पटियाला सलवार का जो पोंचे की मोरी है वो खुली होती है। मैंने ये 9 इंच इसकी मोरी रखकर ये निशान लगा दिया। ये अब हम 9 इंच रख लिया। इसके बाद मैं इसके अंदर यहाँ इतने हिस्से पर कुंदियाँ डालूंगी जिससे पटियाला सलवार का घेर खुला हो जाएगा और हम एक हाथ की चुनर डालकर इसकी पटियाला सलवार रेडी करेंगे। ये देखें, अब हम इसकी बेल्ट काटेंगे। सबसे पहले जो बच्चों का कपड़ा है, मैंने बेल्ट के लिए ये 9 इंच हमेशा बेल्ट डालते हैं। ये मैंने आपको ये इसकी लंबाई मैंने 9 इंच आपको बता दी है, और जो इसकी लंबाई है यहां से मैंने 9 इंच लिया है, और जो इसकी लेंथ है वो मैंने 22 इंच ली है। ये जो बेल्ट की जो चौड़ाई है वो आपने अपने हिसाब से लेनी है, कोई मोटा है कोई पतला है, लेकिन आमतौर पर 22 और 23 होते हैं। ये मैंने 22 ले ली, और अब मैं इसको यहाँ से टक लगाऊंगी। टक लगाने के बाद मैं इसको खींच कर फाड़ दूंगी। ये मैंने फाड़ कर इसको अब अलग कर लिया। अलग करने के बाद अब हम इसकी डबल तह लगाएंगे, तो ये आपकी बेल्ट तैयार हो गई है। मैंने इसको 22 और 23 इंच रखा है, 22 या 23 इंच आम चलता है, लेकिन अगर कोई मोटा है तो वो फिर अपने साइज के हिसाब से बेल्ट को रखेगा। अच्छा, अब ये देखें, अब हमने ये निशान लगाने के बाद इस कपड़े को सिंपल ये तय लगा ली थी जो बच्चा था। इस तरह ये कपड़ा था हमारे पास। मैंने इस कपड़े को फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे रखा, फिर हमने ये वाला इसके साथ यूं अटैच कर दिया। इसी तरह ये नीचे, अब यहां से हम 10 इंच इसका आसन या म्यानी रखेंगे। ये देखें, ये मेजरमेंट इसकी 10 इंच की, आपने भी 10 रखना है, 10 ये और 9 बेल्ट का। इस तरह ये सिलाई लगने के बाद 18 हो जाएगा आसन। ये 10 इंच यहाँ से मैंने रखा। इसके बाद 9 पोंचे पर रखा हुआ है, हमने निशान लगाया था ये 9 का। इसको मैं निशान लगा लूं। ये देखें, ये इस तरह आपका निशान लग गया, और यहां से ये यहाँ से ये हमने 24 इंच रखा है। और 24 इंच का मसला नहीं है, आपने अपनी शर्ट की, शलवार की शेप को देखना है।
अब ये शेप हमारी यहाँ से बन गई। अब मैं अंदर अंदर रखकर इसकी कटिंग करूंगी। अब हम इसकी कटिंग करने लगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये देख लें, शलवार की परफेक्ट लुक है, जिस तरह आम आती है पटियाला की। और इसके ऊपर ये आपकी बेल्ट की शलवार, ये मैंने बेल्ट रख दी है। इसी तरह ये आपका आना है। और ये देख लें, बेल्ट और ये हर चीज इक्वल है। ये आपकी पटियाला शलवार की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, थोड़ा सा इसको पीछे करूंगी और इसको मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ कि चुनट किस कदर आनी है। ये चीज इसकी होनी है, ये देखिए, ये इसकी एग्जैक्ट शेप है। इसके साथ इसको यहां से चुनट पड़ती जाएगी। एक पोंचा इधर है, एक पोंचा हम उधर लगा लेंगे और उसके बाद ये हमारी बेल्ट। ये अब इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पटियाला शलवार की कटिंग समझ आ गई होगी। इसके बाद हम आप स्टिचिंग की तरफ चलते हैं।